गुड इवनिंग ऑल। एग्जाम में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है एक क्वेश्चन है, ये प्लासेंडर वेरिएशन या प्लासेंडर एबनॉर्मलिटीज। इसमें 6 टाइप्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं आज। इसमें देखिए आप, पहले एक है बाइलोब्ड है, इसमें 2 लोब्स रहता है, इक्वल साइज का 2 लोब रहता है। इस यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये भी 2 लोब है पर एक छोटा लोब है, तो इसका नाम है सक्शन श्यूरेट। तो एक छोटा लोब सक्शन करके खींच लिया, मतलब एक छोटा लोब इधर सक्शन करके खींच लिया। ऐसे याद रखिए, कुछ चीज़ें तो हम पूरा अंडरस्टैंड, मतलब जितना भी अंडरस्टैंड करके हम पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे आगे। इसीलिए एक मेमोरी का एक टेक्निक है, इसमें आप ऐसे मतलब स्टोरी मेकिंग से याद करना होगा। तो यहाँ पे सक्शन श्यूरेट, इसका मतलब है एक छोटा लोब सक्शन करके खींच लिया, तो ये सक्शन श्यूरेट। बड़ा लोब एक, छोटा लोब एक, दो सेम साइज़ का लोब है, इसको बाइलोब कहते हैं। और थर्ड टाइप में आइए, एक बैटल डोर है। बैटल डोर मतलब नॉर्मली प्लासेंडा जो है मिडिल मिडिल में, प्लासेंडा मिडिल अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लासेंडा के मिडिल में अटैच होता है। पर इसमें यहाँ देख सकते हैं, बैटल डोर में प्लासेंडा जो है प्लासेंडा के एक कोने में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हो रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक कोने में। तो बैटल डोर, यहाँ पे डोर के याद रखिए, डोर मतलब एक रूम के कोने में रहता है, तो डोर जो है एक कॉर्नर में रहता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्नर में अटैच हो रखा है, तो इसको बैटल डोर कहते हैं। फिर फोर्थ टाइप आई है वेलामेंडस। वेलामेंडस मतलब याद रखिए वेन, VEIN वेन। तो यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, देखिए 3-4 डिवीजन, कम से कम 3-4 ब्रांचेस अम्बिलिकल कॉर्ड से 3-4 ब्रांचेस जाके प्लासेंडा में अटैच हो रहा है, तो इसको वेलामेंडस कहते हैं। प्लासेंडा सी अम्बिलिकल कॉर्ड सीधा प्लासेंडा में जाके अटैच नहीं हो रहा है, उससे पहले 3-4 ब्रांचेस यहाँ डिवाइड हो जा रहा है, इसको वेलामेंडस। तो फिर उसके बाद 2 टाइप्स और हैं, सरकम वैलेट एंड सरकम वैजिनेट। सरकम वैलेट, इन दोनों में से सरकम वैलेट मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। इसमें आप देखिए, प्लासेंडा के जो ऊपर लेयर रहता है, कोरियन एंड एमनियन, कोरियन एंड एमनियन, कोरियन जो है मदर सेल रहता है, एमनियन फीटल सेल रहता है। एमनियन लेयर के अंदर एमनियाटिक फ्लूइड रहता है। तो ये जो कोरियन और एमनियन लेयर का जो फोल्ड बन जाता है पूरा प्लासेंडा के साइड में, उस फोल्ड एक रिंग जैसा बन जाता है, इसको कहते हैं हम सरकम वैलेट। इसमें फोल्ड नहीं बनता है, केवल जो लेयर है जरी प्लासेंडा है, ये थोड़ा मेम्ब्रेन से अंदर चला जाता है, तो उसको सरकम वैजिनेट कहते हैं। आप दूसरे पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आइए, इसमें यहाँ देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, सरकम वैलेट। सरकम वैलेट में जो कोरियन एंड एम्ब्रियन जो ले मेम्ब्रेन है, फीटल मेम्ब्रेन है, उसका एक फोल्ड बन जा रहा है, इसमें एक फोल्ड बन जा रहा है। इसमें देख रहे हैं फोल्ड नहीं है, नॉर्मली ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ तक ऐसे जाएगा, पर इसमें थोड़ा पहले ही ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका सरकम मार्जिन कहते हैं। सरकम वैलेट मतलब एक फोल्ड बन फॉर्म हो जाता है फीटल मेम्ब्रेन से, वो फोल्ड जो है एक रिंग जैसा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको, ये दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे रिंग, तो इस रिंग को कहते हैं सरकम वैलेट। तो वैलेट याद रखिए, स्टोरी मेकिंग में, मेमोरी टिप्स में, स्टोरी मेकिंग में क्या करते हैं हम, सरकम वैलेट। वैलेट मतलब वैलेट, वैलेट में एक रिंग है, ऐसे याद रखिए, वैलेट में हमेशा रिंग रहता है, तो सरकम वैलेट में एक रिंग फॉर्म हो जाता है फीटल मेम्ब्रेन से, फीटल मेम्ब्रेन ने एक रिंग फॉर्म कर लेता है, उसको सरकम वैलेट कहते हैं। और दूसरा टाइप है सरकम मार्जिनेट, उसका एक और पिक्चर भी दिखाता हूँ मैं आपको, इधर देखिए आप, इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे सरकम वैलेट में एक रिंग बन रहा है फीटल मेम्ब्रेन की वजह से, इधर भी बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये राउंड में जाता है, ठीक है, ये फोल्ड जो है राउंड में रिंग जैसा दिखेगा, इसमें वो फोल्ड नहीं है, केवल यहाँ पे देखिए, नॉर्मल में क्या है, ये पूरा प्लासेंडा, जहाँ तक प्लासेंडा है वहाँ तक ऊपर मेम्ब्रेन भी है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लासेंडा से पहले ही मेम्ब्रेन ऊपर चला जा रहा है, ये सरकम वैजिनेट है। ये मोस्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये मोस्ट कॉमन टाइप है, इससे कोई सरकम वैजिनेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक और पिक्चर भी दिखा देता हूँ बुक से, यहाँ देख सकते हैं ये है बैटल डोर। बैटल डोर मतलब एक कॉर्नर में अटैच हो रहा है प्लासेंडा, मिडिल में नहीं अटैच हो रहा है, एक कॉर्नर में। और दूसरा टाइप वेलामेंडस, वेलामेंडस मतलब 3-4 ब्रांचेस हो जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं ना, आर्टरी का भी 2-3 ब्रांच है, वेन का भी 2-3 ब्रांच है,
और फाइनली जाके प्लासेंटा में अटैच हो जाता है। और सक्शन श्यूरेट एक सक्शन करके छोटा सा लोब को खींच लिया तो सक्शन श्यूरेट ये टाइप। और ये है सरकम वैलेट, सरकम वैलेट में फोल्ड बन जा रहा है, ये है ना फोल्ड। बस इसको याद रखिएगा, ये चेयर टाइप है, ये मोस्ट कॉमनली एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है।